वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं जानती हूँ मेरी वीडियो काफी दिनों के बाद आ रही है, तो गाइस अब आपको मेरी वीडियो जल्दी देखने को मिलेगी। सो गाइस, आज हम डेकोरेट करने क्रिसमस ट्री, तो गाइस आज है क्रिसमस स्पेशल, तो चलिए डेकोरेट करते हैं। ओके गाइस, इधर मैंने क्रिसमस ट्री ऑलरेडी रख दिया है एंड आप देख ही सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मैंने अपना सामान इकट्ठा कर लिया है। तो पहले मैं ये गमला आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो इसलिए मैं स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ इसको पेंट करने के लिए। एंड मैं यहाँ पे पेपर भी बिछा लेती हूँ ताकि मेरी पीछे की वॉल गंदी ना हो। तो भाई मैंने यहाँ पे पेपर ले ली है एंड इसको कुछ इस तरीके से रखूँगी एंड जल्दी से इसको स्प्रे कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि स्प्रे हो रहा है, इधर थोड़ा सा और मैं यहाँ पर कर देती हूँ केक। ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाइस ये काफी ज्यादा अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा गाइस खत्म हो गया इसलिए अब काम नहीं कर रहा है। ओके गाइस, तो मैंने अभी इसको अच्छे तरीके से पेंट कर लिया है एंड गाइस अब मैं अपने क्रिसमस ट्री को सजाने वाली। तो इधर है मेरे पास ये कुछ इधर जिनको मैं थोड़ा ऐसे सजा दूंगी क्रिसमस ट्री से, लेकिन ये थोड़ा लास्ट में करेंगे। एंड गाइस, तो पहले मैं सेंटा से अपने स्टार्ट करूंगी। तो ये मेरे पास सेंटा जिसको मैं सबसे टॉप पर लगाने वाली हूँ। तो गाइस ये है इधर एंड मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ ताकि आपको फुल व्यू मिले अच्छा सा एकदम। एंड ओके गाइस, तो मैं इसको खोल लेती हूँ सेफ्टी पिन से एंड आप देख ही सकते हैं कि मैं इसको लगा रही हूँ। एंड ओके, तो गाइस ये लग चुका है एंड आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है एक ही क्रिसमस उससे। एंड आप देख सकते हैं कि मैंने इधर अपने वो छोटे से सेंटा को लगा दिया। एंड अब बारी इसको डेकोरेट करने की, तो मैं यहाँ पर स्टार्स यूज़ कर रही हूँ, बेल्स यूज़ कर रही हूँ, आप और भी गिफ्ट आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। अब तो गाइस काफ़ी सारे आइटम्स आने लग गए हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्टार, ये रहा हमारा सेकंड, तो इसको हम जल्दी जल्दी लगा देते हैं। ओ सॉरी, तो एक्चुअली गाइस ये लग नहीं रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ओके गाइस, तो ये यहाँ लग गया है। अब ये है हमारी जिंगल बेल्स, ये गाइस काफ़ी अच्छी बेल्स आती हैं और इससे गाइस जो ट्री है ना बहुत अच्छा लगने लगता है। एंड गाइस मैं बेल्स यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सारी, क्योंकि बेल्स के बिना मेरे को तो क्रिसमस ट्री अधूरा लगता है, बेल्स और स्टार्स के बिना। एंड गाइस इधर मैं सब सजा देती हूँ एंड मेरे पास इधर छोटे छोटे से दो क्यूट से सेंटा हैं, आप देख सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं इससे और अच्छा लगेगा। और गाइस मेनली फ्रंट पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ एंड आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो क्रिसमस ट्री है थोड़ा सा वीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से सजाने वाली हूँ। ओके, तो ये हो गया। एंड अब मैं गाइस ये सेकंड यूज़ करने वाली जो कि है गोल्डन कलर की, आप देख सकते हैं, तो इधर मैं इसको ऐसे लगा देती हूँ। ओके गाइस, तो ये बेल भी लग चुकी है एंड अब मैं अपने क्यूट से सेंटा को लगाने वाली हूँ। अब गाइस मैं बीच में ज़्यादा डेकोरेशन करूँगी क्योंकि बीच में थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। एंड मेरे यहाँ पे फर्स्ट सेंटा रख दिए हैं एंड गाइस यहाँ पे मैं स्टार्स रख देती हूँ। ओके गाइस, तो अभी तो फिलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, लेकिन गाइस इससे ना इसकी और मज़ेदार वो हो जाएगी, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करने वाली हूँ। एंड ओके गाइस, तो मेरे पास इतना ही डेकोरेटिव आइटम नहीं है, मेरे पास और भी है। तो ये है, आप गाइस देख सकते हैं मेरे पास इधर काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, तो मैं इनको यहाँ पर भी ऐसे लगा सकती हूँ इनको कुछ इस तरीके से। ये बोर्ड्स भी हैं जिनको मैं यूज़ करने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये बॉल्स हैं, आई होप सो ये गिरे ना, क्योंकि मैं इनको काफ़ी अच्छी तरीके से लगा रही हूँ, बट इससे ब्रांच थोड़ी नीचे हो गई है। एंड ये रहा हमारा सेकंड गोल्डन बॉल एंड मैं इसको यहाँ लगा यहाँ रख देती हूँ
कि बीच में बिल्कुल बिल्कुल खाली नहीं लगना चाहिए। एंड ये है हमारी सेकंड बेल जिसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके सो गाइस ये हो गई। एंड अब ये मेरे पास काफ़ी सारी बॉल्स हैं, ये लास्ट हैं जो मैं रखने वाली हूँ, तो मैं इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से इधर रख दूँगी। ओके सो एंड ये एक मेरे पास एक ही है मिरर टाइप की बॉल है ये, तो मैं इसको एकदम टॉप में लगाने वाली हूँ क्योंकि ये ही मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक बची है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो ये मेरे पास लास्ट है, लास्ट बेल ऐसी। एंड यहाँ पे बॉल्स है जिनको मैं कुछ इस तरीके से भी रख लूँगी क्योंकि ज़्यादा क्रिसमस ट्री पे अच्छा नहीं लगेगा एंड इस पे वेट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा। एंड ये देखिएगा इस मेरे पास ये गोल्डन कलर के भी हैं क्यूट से, जिनको मैं इस वाली ब्रांच पे लगाने वाली हूँ, इस वाली पे। तो ओके सो गाइस ये काफ़ी मज़ेदार लग रहे हैं मेरे को, सीधे हो नहीं सीधे नहीं हो रहे लेकिन ठीक है। सो गाइस मैंने अभी काफ़ी मज़ेदार तो डेकोरेट कर दिया, लेकिन आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ कि मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी बॉल्स है, तो मैं बस एक ही सब जाऊंगी क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अपना क्रिसमस ट्री बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड आप देख सकते हैं कि ये लास्ट बॉल है जिसको मैं यहाँ रखना चाहती हूँ, थोड़ा सा पीछे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ओके 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 गाइस तो मैंने इसको यहाँ रख दी है एंड ये भी है मेरे पास बेल जिसको मैं थोड़ा सा पीछे लगा दूँगी, ऐसा ना हो भाई कि आगे इसने डेकोरेट कर दिया पीछे क्या किया। तो इसको मैं भी इस कुछ इस तरीके से लगाऊंगी, इस वाली ब्रांच पे लगाते हैं आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ओके गाइस तो मैंने यहाँ लगा दिया एंड ये लास्ट है ऐसी बॉल, तो मैं इसको भी कुछ इस तरीके से इस वाली ब्रांच पे रख देती हूँ। एक्चुअली गाइस इधर सेट नहीं हो रही तो मैं इस बॉल को मेनली इधर रख देती हूँ। ओके गाइस एंड ये अपनी लास्ट डेकोरेशन जिसको मैं कुछ इस तरीके से लगाऊं। ओके गाइस तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्रिसमस ट्री एंड गाइस मैं आपको छोटा सा क्रिसमस ट्री दिखाना चाहती हूँ। ओके गाइस तो ये रहा हमारा छोटा सा क्यूट सा क्रिसमस ट्री, तो चलिए गाइस मैं इसको यहाँ पे लगा देती हूँ एंड थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है एंड इसकी ब्रांचेस गाइस काफ़ी धर हैं। एंड गाइस मेरे पास मैंने इधर थोड़ी कॉटन भी ले ली है इसको सजाने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ रख देती हूँ एंड थोड़ी कॉटन में इसके यहाँ पे रख देती हूँ एंड आप देख ही सकते हैं कि इनको मैं यहाँ कुछ इस तरीके से लग दे रही हूँ। या तो गाइस मैं एक काम करती हूँ इनको ना ऐसे यहाँ रख देती हूँ। एंड मैंने ज़्यादा ऊपर की ब्रांचेस में किया नहीं है क्योंकि गाइस वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें टिकती नहीं है इस वाले क्रिसमस ट्री में, तो एंड ये तो गिर रही हैं। ये तो मैंने अभी से यहीं लगा दिया फिलहाल के लिए एंड यहाँ पर मैं यहाँ नहीं यहाँ पर थोड़ी सी कॉटन रख देती हूँ। ओके एंड यहाँ पर भी मैंने रख दिए हैं गाइस और इस पे एक स्टार मैं रख देती हूँ ऐसा, क्योंकि गाइस इस पे थर्माकोल ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइस लास्ट में ऐसी एक और लगाने वाली हूँ ये, तो चलिए इनको फिर लेके आते हैं। सो गाइस ये है, मैं इसको यहाँ पे लगा लेती हूँ, आई डोंट होप सो कि ये इधर आएगी, तो इसको मैं ना कुछ इस तरीके से लगाने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। और ये सो मेरा फाइनल क्रिसमस ट्री हो गया है, बस मुझे ये हटानी है चीज़ें ताकि इसकी लुक और ज़्यादा अच्छे से है एंड प्लीज़। ओके सो आप देख सकते हैं तो मैं अब इसको आपका फुल व्यू दिखाती हूँ। ओके गाइस आप देख सकते हैं इधर से मेरा क्रिसमस ट्री काफ़ी ज़्यादा
अमेजिंग सा लग रहा है। नीचे से मैं दिखाऊं, एंड ये मेरा छोटा वाला क्रिसमस ट्री जो आप देख सकते हैं। ओके गाइस, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जाके लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।